अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आइए हम ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसके लिए हमको चाहिए 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर, जिसे कि हम ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। और ये घर पर कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारी जो मीठी चटनी है उसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, ये हमने 5-6 काजू लिए हैं जिनको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून हमने किशमिश लिए है और 1 टेबल स्पून लिए हैं खरबूजे के बीज। इसके लिए ये हमने लिया है अमचूर पाउडर जो कि वजन में 20 ग्राम है, और इसके साथ हम चीनी लेंगे जो वजन में 100 ग्राम है। आप चाहें तो आधा चीनी और आधा गुड़ से भी इसको बना सकते हैं, और आप चाहें तो केवल गुड़ या केवल चीनी से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम जितना भी अमचूर पाउडर लेंगे उससे हमें 5 टाइम्स इसको मीठा करने के लिए चीनी की जरूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्टील का बर्तन और इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये मैंने करीब 300 ml पानी लिया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अमचूर पाउडर पानी के साथ बहुत आराम से घुल जाता है, बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाता है। ये देखिए अमचूर पाउडर हमारा बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ घुल गया है, अब इसमें हम और भी पानी ऐड करेंगे। अब इसको हमें पकाना है, फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम अमचूर पाउडर जितना भी यूज कर रहे हैं मीठे की मात्रा हमें उससे 5 गुना लेनी है, और बर्तन भी हमें स्टील का ही यूज करना है। अमचूर पाउडर की इस तरह से खट्टी मीठी चटनी बनाना बहुत आसान है, और कभी इंस्टेंट जब भी आपको खट्टी मीठी चटनी की जरूरत पड़ती है आप इसको तुरंत घर में रखे हुए रसोई में रखे हुए सामान से ही बना सकते हैं। चीनी हमारी बहुत अच्छे से इसमें घुल गई है, अब इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक, काला नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च, सौंठ पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सभी मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको जितनी देर तक आप पकाएंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, उतनी ही अच्छी इसमें मसालों की खुशबू आएगी। हलवाई इस खट्टी मीठी चटनी को जब बनाते हैं तो इसमें रेड फूड कलर का यूज़ करते हैं, हमने रेड फूड कलर का यूज़ इसमें नहीं किया है। कश्मीरी लाल मिर्च जो इसमें डाली है उसी से इसमें बहुत अच्छा कलर आया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा कलर चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, लेकिन अभी 15 मिनट पकने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी होकर इसमें थोड़ा गाढ़ापन और बढ़ेगा। तो आप चटनी जैसी भी चाहते हैं, पतली या गाढ़ी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 15 मिनट पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है, ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अभी ठंडी होकर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। और अब लेंगे हम एक तड़का पैन, इसमें डालेंगे हम बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून घी। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 2 पिंच हींग। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, हींग से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसी पैन में हमने ये जो खरबूजे के बीज लिए थे इनको हम हल्का सा चटका लेंगे, करीब 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको गर्म कर लेंगे जिससे कि ये फूल कर बड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से चटक गए हैं, अब इनको भी हम सौंठ में डाल देंगे। अब ये बीज हम इसमें डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स डालें, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
ये काजू और किशमिश भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। ये लीजिए, बहुत जल्दी ही हमारी ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए, ये हमारी खट्टी मीठी चटनी बनकर अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। देखिए आप कितना सुंदर इसका कलर आया है और कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है समोसे, पकौड़े, भल्ले और हर तरह की चाट के साथ यूज होने वाली खट्टी मीठी चटनी। आप इसे एयरटाइट जार में डालकर 8 से 10 महीने फ्रिज में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इस तरह से खट्टी मीठी चटनी बनाना। अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल नवरत्न रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।